गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी अर्जुन नाम के लड़के से तय हो जाती है और वो अपनी सहेली को मिठाई देने उसके घर जा रही होती है और उसे वापस आते हुए रात हो जाती है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर वो भागकर अपने घर पहुंचती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं। पूजा किसी को कुछ नहीं कहती और किसी से बात करे बिना खाने बैठ जाती है और आज बिना रुके खाना खाती ही जाती है। अरे आज कितनी भूख लगी है तुम्हें। अरे भगवान, क्यों मेरी बेटी के खाने को नजर लगा रही हो? खुद को देखो, खा खा कर पहलवान हो गई हो। कोई दंगल लड़ना है क्या तुमने? अजी क्या कहा आपने, चुप रहिए। लला नहीं, कुछ नहीं, मैं तो चुप ही हूँ। जब से शादी हुई है गुस्सा क्यों करती हो? मैंने तो भगवान ही कहा था, गलती से पहलवान निकल गया मुँह से। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात होने पर पूजा सो रही होती है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिनको सुनकर पूजा डर कर उठ जाती है। उठ पूजा, उठ जा। अरे कौन है, कौन है? अरे ओ बेवकूफ लड़की, ऊपर देख ऊपर। पूजा जैसे ही ऊपर देखती है तो एक चुड़ैल पंखे से लटकी होती है और पूजा को अपनी ओर बुला रही होती है। आओ पूजा, आओ मेरे पास आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ तुम। और चुड़ैल बहुत डरावनी होती है। आप कौन है, कौन है आप? माँ, माँ, माँ। पूजा के चिल्लाने से उसकी माँ और पिताजी उसके कमरे में आते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम इतना डर क्यों रही हो? माँ, वो देखो ऊपर पंखे से कोई चुड़ैल लटकी हुई है। कहाँ? फिर जैसे ही कमला ऊपर की ओर देखती है उसे कुछ भी नजर नहीं आता। बेटी ऊपर तो कुछ भी नहीं है, जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। सो जाओ, कुछ नहीं होगा। पूजा ऊपर देखती है तो वो चुड़ैल पंखे से लटकी होती है। नहीं बाबा, वो देखिए वहाँ है चुड़ैल। आप कहीं मत जाओ, मेरे साथ ही सो जाओ। ठीक है, पता नहीं आज तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बहुत बहादुर हो और आज पता नहीं कैसी बातें कर रही हो। कमला तुम पूजा के ही साथ सो जाओ। फिर कमला पूजा के साथ ही सो जाती है और पूजा लेटे लेटे डरते हुए ऊपर की ओर देखती है तो वो चुड़ैल उसे देखती रहती है पर वो उसकी माँ को नहीं दिखाई देती। फिर अगली सुबह जैसे ही पूजा उठती है, ए लड़की अब उठ जा, मुझे बहुत भूख लगी है। पूजा चौंक कर उठ जाती है। मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए? छोड़ दो, इतने मुश्किल से तो तुम मिली है, मुझे तेरा शरीर चाहिए। अब चल, ज्यादा नखरे मत दिखा, मुझे भूख लगी है। इतना बोलकर वो चुड़ैल पूजा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और तभी पूजा के बाल लंबे और आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो रसोई में जाती है और अपनी माँ से कहती है, ए मुझे बहुत भूख लगी है, चल खाना दे। हाँ? कमला हैरान होती है लेकिन कुछ कहती नहीं और पूजा को खाना दे देती है। पूजा बुरी तरह से मुंह में भर भर कर जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। ए बुढ़िया, ये क्या फालतू का खाना है, मुझे मुर्गा बना के दे। ये खास फूस तू ही खा। जा लेके आ मुर्गा और साथ में खून भी लेकर आइयो, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। इतने में सुरेश अर्जुन के साथ वहाँ आ जाता है। अरे मर गई रे, अजी देखिए इसकी हिम्मत। इतने में पूजा कमला के बाल पकड़ लेती है। ए बुढ़िया, समझ में नहीं आता। लेकिन अर्जुन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है ठीक है, तुम शांत हो जाओ, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। फिर पूजा कमला को छोड़ देती है। तू कुछ समझदार लगता है मुझे और बहुत चिकना भी है। मुझसे शादी करेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे पहले से ही बहुत पसंद हो, पर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। ठीक है, पर मुझे भूख लगी है, पहले मुझे मुर्गा खिला दे, मुर्गा। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। फिर पूजा तैयार होने चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने लंबे बाल संवारने लगती है। पापा जी, मुझे लगता है पूजा पे किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है और अब पूजा का शरीर उस चुड़ैल के वश में है, हमें इसे बहला फुसला कर ले जाना होगा। मैं जानता हूँ ऐसी जगह जहाँ अच्छे अच्छे भूत उतारे जाते हैं, बस आप हाँ करो। अरे ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नास्पीति चुड़ैल तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तुझे मेरी बेटी ही मिली थी क्या? भगवान ये कैसे हुआ, सब पता चल जाएगा, अब चलो। फिर सब लोग पूजा को तांगे पर बैठा कर ले जाते हैं। अरे राजा जी, मुर्गा कब खिलाओगे मुर्गा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम भी झूठे हो।
हाँ मुर्गा खाने ही जा रहे हैं। फिर वो एक खाने की दुकान पर रुकते हैं और उसे मुर्गा लेकर देते हैं। वो खा लेती है। मजा आ गया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसमें तो बहुत स्वाद है। चल अब खून पिला दे, खून पिला दे। खून तो अभी खत्म हो गया है, बाद में पिला दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला। फिर वो अर्जुन को हवा में उठा लेती है। अरे प्रीतम, शादी से पहले ही विधवा होना चाहती हो क्या? अरे शादी कर लो, फिर दोनों सुहाग रात पे मिलकर पिएंगे ना खून। क्या शादी? झूठ नहीं बोल रहे, मेरे पहले पति की तरह। उसने प्यार प्यार बोलकर मुझे धोखे से मार दिया था। नहीं नहीं ठीक है, चलो अभी शादी करने चलते हैं। लो बेटी लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो इसी बात पे। फिर वो चुड़ैल जिसने पूजा के शरीर पे कब्जा किया होता है, शादी की बात सुनकर खुश हो जाती है और अर्जुन को छोड़ देती है और लड्डू खा लेती है। फिर उनके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा बेहोश होने लगती है क्योंकि उस लड्डू में बेहोशी की दवा मिली होती है। फिर वो लोग जल्दी से पूजा को लेकर मंदिर चले जाते हैं। कई लोगों पर भूतों ने कब्जा किया होता है और भगवान से सजा मिले होने की वजह से सब तड़प रहे होते हैं। उनमें से एक भूत खुद पर ही भारी भारी पत्थर रख रहा होता है और कोई भारी जंजीरों से बंधे होते हैं और तड़प रहे होते हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मर गई रे, ओ मुर्गा की कहां ले आया? यहां तो कितने सारे भूत अपनी मुंडी घुमा रहे हैं, यहां तो हम बड़ी भूत ना चढ़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा माँ, यहां भूत चढ़ते नहीं, बड़े बड़े भूत उतरते हैं। फिर वो लोग पूजा के हाथ और पैर बांध देते हैं। तभी पूजा को होश आ जाता है। ये मुझे कहां ले आया धोखेबाज? तभी कमला पंडित जी को बुला लाती है। पंडित जी आते हैं और पूजा के माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाते हैं। बोल कौन है तू, छोड़ दे इस लड़की का शरीर। नहीं, ये क्या कर रहा है पंडित? मेरे हाथ खोल दे, फिर बताती हूँ तुझे। तुम भगवान के मंदिर में आई हो, यहाँ सबके साथ इंसाफ होता है। अब मैं अपने पति से बदला जरूर लूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम पूजा के शरीर को छोड़ दो, हम सब मिलकर तुम्हारे पति को सजा जरूर दिलाएंगे। अरे मर गई रे, मर गई है भगवान, मेरे पति को जरूर सजा दिलाना। मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। उसे मुक्ति मिल जाती है और वो पूजा का शरीर छोड़कर चली जाती है। बहुत सारे प्राइजेस एंड कैश जीतना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।